हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इंपोर्टल लाइफ एलटेक में। मेरा नाम दिलसाद और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस मैच में अपनी ग्रांड लीग टीम बनाने के लिए सोच रहे हैं या विन करने के लिए सोच रहे हैं या स्मॉल लीग या हेड टू टीम, ठीक है, तो आपको ये वीडियोस बहुत ही भाई परफेक्टली टाइम दे करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यानी कि फोर्थ ग्रांड लीग टीम का भी प्रूफ देने वाला, उसके साथ साथ जो ट्रंप प्लेयर्स रहेंगे दोस्तों उनका भी मैं आपको यानी कि एग्जैक्टली प्रेडिक्शन प्रोवाइड करने वाला दोस्तों, ठीक है। इस मैच से देखिए आपको पता है इस तरह से ये रूल्ड आउट हो चुके हैं, मतलब टीम से अनअवेलेबल रहने वाले, तो इनके जगह पे कौन सा प्लेयर्स आने वाला वो भी मैं बताऊंगा। एंड दोस्तों, जो उनको रखना है कि नहीं रखना, जो प्लेयर्स आने वाला है वो भी मैं आपके साथ जो है क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियोस को दोस्तों आप लोग अभी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जो मैच है फिलहाल 18 जनवरी इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 1:30 यानी कि दोपहर में खेला जाएगा। अगर हम बात करते हैं टीम न्यूज के बारे में, इंडिया टीम की कप्तानी जो रोहित शर्मा करने वाले एंड न्यूजीलैंड की दोस्तों कप्तानी है टॉम लथन करने वाले। अगर हम बात कर लेते हैं हेट्रिक रिकॉर्ड्स की, तो लास्ट 3 ईयर्स में दोनों टीम के बीच में जो खेले गए मैच ओडीआई 6, जिसमें कि इंडिया टीम ने 0 विन करने, मतलब कोई भी मैच विन नहीं किया। न्यूजीलैंड ने यहाँ पे 4 विन करें, 2 मैच यहाँ पे दोस्तों नो रिजल्ट भी है। देखिए ज्यादा से ज्यादा इसमें मैच क्या है कि न्यूजीलैंड में ही खेले गए ओडीआई मैचेस। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए पिच जो रहने वाली दोस्तों राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो हैदराबाद में पड़ता है। एंड अगर हम बात करते हैं पिच के बारे में थोड़ा सा डीपली, तो बैलेंसड पिच रहेगी और पेस बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एवरेज स्कोर की दोस्तों अगर हम बात करते हैं 270 प्लस यहाँ पे स्कोर बन सकता है, हाई स्कोरिंग पिच भी हो सकती है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं टोटल मैच जो यहाँ पे 6 खेले गए, जिसमें कि पहले टीम बैटिंग करने वाले ने विन किए हैं 3 और चेस करने वाले ने भी दोस्तों यहाँ पे 3 विन करे। हाई स्कोर इस ग्राउंड पे बना 350 का और लोएस्ट यहाँ पे 174 का बना दोस्तों, ठीक है। एंड अगर आपने दोस्तों अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियोस का लाइक रखते सिर्फ और सिर्फ 20, होप आप लोग कंप्लीट जरूर कर देंगे। देखिए आप बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो इंडिया टीम के प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली रोहित शर्मा, शुभमन गिल ये ओपन कर रहे हैं। रोहित शर्मा देखिए 2 मैच यहाँ पे रिसेंट अगर हम देख रहे हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है श्रीलंका के अगेंस्ट में, ओडीआई में 83 और 42, 1 मैच में 17 रन ही दिए दोस्तों। एंड अगर बात करते हैं टीम में रखेंगे तो टीम में तो रख सकते हैं, बट देखिए इनका हेड रिकॉर्ड्स देखते हैं, 24 मैच में 703 रन है। एंड एरो 33 के एरो से बैटिंग करते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, 2 मैच इस ग्राउंड पे खेले 38 रन 19 कर। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों ग्राउंड को देखते हुए आपको थोड़ा सा ये रिस्की लगने वाले हैं, मतलब रिस्की रहने वाले भी हैं टीम में। अगर हम रखने की बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो दोस्तों कैप्टन के लिए मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं रहने वाला, वाइस कैप्टन के लिए भी ये रिस्की रहने वाले। फर्स्ट इनिंग अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों 103 मैच में इन्होंने फिलहाल जो है 4560 रन बनाए, मतलब कि कहने का मतलब ये 48 के ओवर से ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हैं, चेस अगर करते हैं फिर भी 48 के ही ओवर से बैटिंग करते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए अगर आप इनको टीम में रखते हैं तो दोनों तरफ से ही इनको आप रख सकते हैं, इसमें कोई मतलब चिंता की करने की बात नहीं है कि यार फर्स्ट इनिंग सही नहीं रहेगा और सेकंड इनिंग सही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। रोहित शर्मा के साथ इनके साथ जो ओपन करने वाले शुभमन गिल दोस्तों, जो है हेड रिकॉर्ड्स न्यूजीलैंड के गेम में उन्होंने 5 मैचेस खेले, 124 रन बनाए, 31 करोड़ से बैटिंग करते हैं। इस पिच पे एक भी मैच नहीं, फर्स्ट इनिंग ये 70 करोड़ से बैटिंग करते हैं दोस्तों, चेस करने में 43 करोड़ से, तो कहीं ना कहीं 43 करोड़ भी ठीक ठाक ही रहता है। एंड देखिए ज्यादा से ज्यादा टीम में रहने वाले हैं, मतलब आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा टीम में क्यों रहेंगे, क्योंकि रिसेंट जो है श्रीलंका के गेम में बढ़िया परफॉर्मेंस देकर के आ रहे हैं और लास्ट मैच में आपने देखा शतक भी इन्होंने जड़ा दोस्तों, ठीक है। एंड अगर बात करते हैं इनको टीम में रखना है कि नहीं रखना है इस मैच में, देखिए टीम में तो आप रख सकते हैं दोस्तों, बट आपको जो है रिसेंट परफॉर्मेंस हुआ उसको देख करके नहीं रखना कि मतलब यार श्रीलंका के गेम में बढ़िया गया तो इस ग्राउंड पे और इस मैच में भी अच्छा कर जाएंगे, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है आपके लिए और लॉस भी हो सकता है आपका अगर आप उस थिंग से टीम में इनको रखते हैं तो, क्योंकि सामने न्यूजीलैंड है दोस्तों। बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा केन विलियमसन के ना होने की वजह से थोड़ा सा कमजोर है, बट बॉलिंग लाइनअप दोस्तों अभी भी मजबूत है न्यूजीलैंड का, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो शुभमन गिल को अगर हम बात करते हैं, देखिए कॉम्बिनेशन कर सकते हैं फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग देखते हुए और हेड रिकॉर्ड 31 का वैसे ठीक ही है और सर भी अच्छा परफॉर्मेंस देकर के आ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं इनका विराट कोहली के साथ। विराट कोहली की अगर हम बात करते हैं, क्यों कह रहा हूं इनके साथ दोस्तों, क्योंकि इन्होंने हेड रिकॉर्ड्स न्यूजीलैंड के केस में 26 मैच खेले, 1378 रन 46 का एवरेज है। एंड इस पिच में दोस्तों 44 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 3 मैच में 134 रन बनाए। एंड देखिए फर्स्ट इनिंग में ये 49 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग 66 की ओर से। देखिए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए श्रीलंका के अगेंस्ट में ये डिपेंड था कि फर्स्ट इनिंग इन्होंने दोनों मैचेस में अच्छा स्कोर दिया, पहले में 113 उसके बाद 166, ठीक है। और चेस करने की बात करें तो यहाँ पे 4 ही रन, मतलब कि आउट थे, फ्लॉप ही थे चेस करने में, बट यहाँ पे जो इनका ओवरऑल रिकॉर्ड है तो यार चेसिंग में इनका कमाल रहता है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग इनका थोड़ा सा खराब रहता है, बट दोस्तों रिसेंट वो कुछ और ही कह रहा है। तो टीम में रखने की बात करें तो यार दोस्तों टीम में इनको रख लीजिए, हाई स्कोरिंग पिच रहेगी तो परफॉर्मेंस ठीक दिखेगा। अब देखिए जो मैंने आपको बताया कि जो किस तरह से ये रूल आउट रहने वाले हैं इंजरी क्या चलते हैं दोस्तों, तो फिलहाल रजत पर्रिकर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, तो देखिए हेड रिकॉर्ड्स तो मैच है ही नहीं, क्योंकि ओवरऑल ओडीआई का एक भी मैच इन्होंने नहीं खेला अभी तक, ठीक है। फर्स्ट ओडीआई मैच हो सकता है अगर प्लेइंग में शामिल होने वाले, जहां तक चांसेस रहेंगे देखिए रजत पर्रिकर के ज्यादा से ज्यादा, एंड अगर ये नहीं खेलते तो सूर्य कुमार यादव आएंगे दोस्तों, उनका क्या रिकॉर्ड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इन्होंने ओवरऑल लिस्ट के मैचेस खेले हैं जिसमें कि 51 मैच है दोस्तों, 1648 रन बनाए, 37 का एवरेज है। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर टीम में आते हैं तो यार टीम में तो हम रखेंगे किस तरह से जगह पर आ रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर भी इनका ठीक ठाक ही रहने वाला है।
अब बात करते हैं ईसान किशन की। देखिए चार टीम का प्रव्यू मैं आपको दोस्तों दूंगा, उससे पहले मैं आपको यार प्लेयर स्टेट्स बता देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। टीम देखने में तो फिलहाल देख लेंगे, प्लेयर समझ जाएंगे, एक्सप्लेन हो जाएगी कि यार नहीं किस प्रकार से मैंने किस प्लेयर्स को रखा है, कैप्टन वाइस कैप्टन क्यों बनाया। ईसान किशन देखिए हेड रिकॉर्ड्स के एक भी मैच नहीं है, न्यूजीलैंड के केस में पिच पे दोस्तों एक मैच नहीं है। फर्स्ट इनिंग ये जो कि 130 के ओवर से बैटिंग करते हैं, दोस्तों आपको याद होगा बांग्लादेश के केस में इन्होंने बैटिंग करी, बहुत अच्छा स्कोर ओडीआई मैचेस में बनाया था, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं 20 इनिंग तो 31 के ओवर से बैटिंग करते हैं। ओवरऑल ओडीआई के 10 मैच खेले जिसमें 477 रन रहे, 53 का एवरेज है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यार ईशान किशन भी ट्रंप रहने वाले, कब इनको यूज करना। देखिए रिसेंट आप देख रहे थे शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली, एक मैच तीनों को तीनों फ्लॉप थे, उसमें किसने बढ़िया किया था आपको पता होगा, केएल राहुल ने 6 पारी खेली थी और देखिए सिरस सैयद थे 3 मैचेस में, तो उन्होंने ठीक ठाक अपना काम करके दिया। तो इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है, जैसे कि रोहित शर्मा देखिए सेकंड इनिंग फ्लॉप थे, अभी रिसेंट शुभमन गिल भी फ्लॉप थे सेकंड इनिंग, विराट कोहली भी फ्लॉप थे, ये वाला मैच आपको याद होगा तो ये वाला, ठीक है, विराट कोहली का जो था 4 रन वाला और यहाँ पे 17 रन रोहित शर्मा वाला, और फिलहाल रोहित शुभमन गिल का भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। उस प्रकार से अगर कुछ सिस्टम होता है तो आपको दोस्तों वो मतलब मैच को भी थोड़ा सा फॉलो करना है, क्या करना है ईशान किशन को आपको टीम में रखना है। एंड दोस्तों एक मैच आप कैप्टन के तौर पर इनके साथ जा भी सकते हैं फर्स्ट इनिंग में, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कमाल का एवरेज है 130 का। हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, देखिए हेड रिकॉर्ड्स अगर हम बात कर रहे हैं तो फिलहाल 11 मैच में 192 रन बनाए, 24 के ओवर से बैटिंग करें, 11 में 11 विकेट भी इनको मिल रही न्यूजीलैंड के केस में। देखिए स्पिल कर तो इनको 5 कंफर्म है कि मिलने ही, क्योंकि वासिक सुंदर को भी 5 मिलने वाले, ठीक है, 10 ओवर तो यहीं पर हो जाएंगे, उसके बाद सरदुल ठाकुर, उमरान मलिक, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज में बढ़ जाएंगे दोस्तों 10 ओवर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यार हार्दिक पांड्या भी टीम में एक अच्छी चॉइस हो सकती है, परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं टीम में रखने की, क्योंकि यार बैटिंग भले ही ना मिले मिले बट यार 11 मतलब 5 ओवर कराएंगे तो यार 5 विकेट मिलने के चांसेस इनके हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट इनिंग दोस्तों बात करते हैं तो ये 29 के ओवर से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग की ठीक ठाक बैटिंग के लिए, 42 के ओवर से बैटिंग करते हैं, और फर्स्ट इनिंग दोस्तों 38 इनिंग में 36 विकेट लिए, 20 इनिंग में 28 में 30 विकेट लिए, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से इनको हेल्प मिल रही है, तो आप दोनों तरफ से इनके साथ जा सकते हैं हार्दिक पांड्या के। और देखिए जहां तक मुझे लग रहा है सेफ भी हो सकते हैं, एंड आप अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो यार वाइस कैप्टन के तौर पर आप हार्दिक पांड्या के साथ भी जा सकते हैं, थोड़ा रिस्की रहेंगे बट जो कि हेड रिकॉर्ड्स है उस हिसाब से बहुत ही परफेक्टली चॉइस हो सकते हैं। अब बात करते हैं वासिक सुंदर के, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, इसमें बहुत देखिए बैटिंग वाला तो राउंड है दोस्तों, ठीक है, हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं 3 मैच उन्होंने खेले न्यूजीलैंड के केस में 88 रन है, बट एक ही मैच में इनको बैटिंग करने के लिए इसमें 88 रन थे दोस्तों, ठीक है, और 2 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग कराई, विकेट नहीं मिले यार, बट विकेट को देखते हुए जहां तक मिल नहीं रही तो यार ज्यादा ज्यादा टीम में आप वासिक सुंदर को ड्रॉप करने के लिए सोचे। बट एक चीज ये भी क्लियर कर रहा दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जैसे कि आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट में देखा था इंडिया टीम को, वासिंग सुंदर बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, बैटिंग बॉलिंग सब मिल रही थी, बट दोस्तों मैं एक चीज ये नहीं कर रहा कि वो मैच को आप फॉलो करें, क्यों, क्योंकि मैच जो है इंडिया में हो रहा था, होम ग्राउंड रहेगा इंडिया टीम के लिए, तो ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत ही कम मतलब देखने को मिलेगी वासिंग सुंदर से, कोई अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, रिसेंट भी आपने देख लिया है। अब बात करते हैं सरदुल ठाकुर की, तो फिलहाल सरदुल ठाकुर जो कि हेड रिकॉर्ड्स में 4 मैच में 26 रन बनाए हैं, एंड 4 इनिंग में दोस्तों 5 विकेट भी इनको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में ओडीआई मैचेस में मिल रही है। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 12 इनिंग इनको 28 विकेट मिल रही है, सॉरी 20 इनिंग में फर्स्ट इनिंग में 12 में 16 विकेट मिले, तो कहीं ना कहीं यार अगर ये सेकंड इनिंग बॉलिंग कराते हैं सरदुल ठाकुर तो यार हार्दिक पांड्या के साथ इनका कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा, रिस्क ही रहेंगे, कोई करके नहीं जाएगा, आपके लिए ट्रंप हो सकती है दोस्तों, जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ज्यादा टीम के साथ अगर आप जाते हैं तो कुलदीप यादव की हम बात करते हैं दोस्तों, कुलदीप यादव जो कि हेड टू डिवॉर्ड्स के 6 मैच खेले हैं जिसमें दोस्तों 11 विकेट लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के केस में ओडीआई मैच में। एंड अगर बात करते हैं रिसेंट भी श्रीलंका के केस में अच्छी खासी बॉलिंग कराई है, अच्छी खासी विकेट इन्होंने नहीं ली दोस्तों 2 मैचेस में। इस पिच पर अगर हम बात करते हैं एक मैच में इनको 2 विकेट मिली है, देखिए ट्रंप रहने वाले कुलदीप यादव फिर से एक मैच में। एंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों इनको ओवरऑल ओडीआई के तो 75 मैच में 73 इनिंग बॉलिंग करी जिसमें 124 विकेट, तो दोस्तों कहीं ना कहीं यार अच्छा परफॉर्मेंस इनका ओडीआई में है ही। और देखिए फर्स्ट इनिंग 39 मैच में इनको 64 विकेट मिल रही है दोस्तों, और सेकंड इनिंग में 36 में 63 विकेट मिल रही है, तो यार दोस्तों कहीं ना कहीं कुलदीप यादव तो रहेंगे, और इनका कॉम्बिनेशन भी हमें वाइस कैप्टन का करना मोहम्मद सिराज के साथ, क्योंकि इनका रिसेंट भी परफॉर्मेंस बढ़िया और हेड रिकॉर्ड्स मेरे रिकॉर्ड भी कुलदीप यादव का बढ़िया दोस्तों। मोहम्मद सिराज की बात करते हैं तो देखिए रिसेंट 3 मैच भाई बिल्कुल ही खैर डाया बंदे ने, मतलब अच्छी खासी विकेट और अच्छी खासी बॉलिंग देखने को मिली है, हेड रिकॉर्ड्स में एक भी मैच नहीं है, वेन्यू में दोस्तों एक भी मैच नहीं है, फर्स्ट में दोस्तों अगर हम बात करते हैं 11 मैच में 15 विकेट लेकर के जा रहे हैं, 20 में 8 में 18, तो यार चेसिंग अगर ये बॉलिंग कराते हैं तो भाई मतलब बहुत ही कमाल, ठीक है, मोहम्मद सिराज के लिए। और कॉम्बिनेशन अगर आपको करना है एक टीम में तो मोहम्मद सिराज कुलदीप यादव आप कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का। उमरान मलिक की बात करते हैं दोस्तों, देखिए सभी लोगों को लग रहा है कि खेलने वाले नहीं, बट जहां तक मुझे लग रहा है 99% ये पहले ही मैच में आपको प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर ये आते हैं दोस्तों तो किस प्रकार से इनको यूज करना है, देखिए 3 मैच इन्होंने खेले जिसमें 2 इनिंग में बॉलिंग कराई है न्यूजीलैंड के केस में जिसमें 3 विकेट है, क्योंकि एक मैच दोस्तों नो रिजल्ट भी है आपको याद होगा, ठीक है, एंड 2 मैच में 3 विकेट
विकेट पर कहीं ना कहीं इनके चांसेस भी रहेंगे विकेट निकालने के। और देखिए बैक टू बैक यहाँ पे श्रीलंका के अगेंस्ट में इन्होंने विकेट भी लिए हैं दोस्तों। फर्स्ट इनिंग अगर बात करते हैं दो मैच में 4 विकेट है, 20 इनिंग में 4 में 8 विकेट, तो इनका भी सेकंड इनिंग बॉलिंग कराना ही बेस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो वाइस कैप्टन अगर आप बनाएंगे तो सेकंड इनिंग में, बाकी तो टीम में तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं दोनों इनिंग से दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों देखिए श्रेयस अय्यर की जगह पर पहले तो रजत पाटीदार प्लेइंग में शामिल होने वाले हैं। अगर वो नहीं खेलते तो सूर्य कुमार यादव आपको मिल जाएंगे, बट सूर्य कुमार यादव आपने देखा रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, बैटिंग आउट बहुत नीचे है, 5वें नंबर पर 6वें नंबर पर, तो यार ट्राई नहीं करना। ठीक है, सभी टीम में आपको बता रहा हूं मैं। हेड रिकॉर्ड 3 मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में इन्होंने खेले 44 रन बनाए, 22 एवरेज है। ठीक है, ओवरऑल ओडीआई में भी इनका 29 एवरेज है, कुछ खास नहीं है। तो T20 मैच नहीं है, ओडीआई मैच है दोस्तों, तो सभी टीम आपको ट्राई नहीं करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क भी नहीं लेना। चेस अगर इंडिया टीम करती है, अगर ये प्लेइंग में शामिल होते हैं, रजत पाटीदार नहीं आते टीम में प्लेइंग में, तो फिलहाल इनको चेसिंग में आप रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना टीम के लिए भी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड के बारे में, तो फिर इलेवन डेविन कॉन में ये ओपनर रहने वाले इस टीम के। फिर इलेवन देखिए हेड रिकॉर्ड 3 मैचेस खेले हैं, 39 रन बनाए, 39 का एवरेज है, एंड इस पिच पे एक भी मैच नहीं है। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों अगर हम बात करते हैं 36 के ओवर से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग में 32 के ओवर से, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट दे रहे हैं, इक्वल एवरेज दे रहे हैं। तो दोस्तों क्या करें, इनको सभी लोग अपने टीम से ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपको कहाँ ट्रा करना है स्पोर्ट टीम में। ठीक है, 4 से 5 लोग वाली टीम में और स्मॉल लीग में, क्योंकि वहाँ पर इनको सभी लोग ड्रॉप करके जाने वाले दोस्तों। डेविन कॉलिंग देखिए सभी टीम में रहने वाले हैं। एंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों इनके परफॉर्मेंस के बारे में, तो हेड टू रिकॉर्ड 3 मैच खेले, 62 रन बनाए, 62 का एवरेज है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक ही मैच में परफॉर्मेंस दिया था, बाकी एक में नॉट आउट थे, एक मैच रद्द भी था। ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था ओडीआई मैचेस इंडिया टीम के अगेंस्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं पिच पे एक भी मैच नहीं है। फर्स्ट इनिंग में ये 47 के ओवर से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग में 42 के, और दोस्तों देखिए सभी टीम में रहने वाले डेविन कॉनवे, बट दोस्तों आप अगर 4 से 5 टीम में जाते तो सभी टीम में इनको लेकर के भी नहीं जाना, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में खेल करके आ रहे हैं, वहाँ पर फर्स्ट मैच में पूरी तरीके से ये फ्लॉप थे दोस्तों। ठीक है, आपने देखा भी है, लास्ट मैच में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दूसरे मैच में मिला था, ठीक है, 100 लगाया था उन्होंने, तो सभी टीम में आप उनको ट्राई भी नहीं करना है। जिस टीम में ट्राई करना है तो उसमें कैप्टन बना लेना है, बाकी 5 टीम के साथ आते तो 2 ही टीम में ट्राई करना है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सभी टीम में रहेंगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रैंड लीग में तो खास करके जब बनाए तो कैप्टन ही बनाए, अदरवाइज जब ड्रॉप करें। मैच चैंपियन की हम बात करते हैं तो देखिए मैच चैंपियन जो है स्पिन बॉलर्स हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, आपको मिलेगा ये बैटिंग से, एंड बैटिंग और तीसरे नंबर पर रहेगा। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं हेड रिकॉर्ड्स, एक मैच में एक ही रन है। फर्स्ट इनिंग दोस्तों अगर हम बात करते हैं इनका 38 का एवरेज रहता है ओडीआई मैचेस में, 20 इनिंग में 109 का रहता है, तो चेसिंग इनकी भी बढ़िया है और बहुत ही कमाल के बैट्समैन है मार्क चैंपियन दोस्तों, तो आपको इनको भी ट्राई करना है टीम से, और कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क भी आपको इनको ले लेना है। अब बात करते हैं देखिए डैनियल मिचेल की, तो डैनियल मिचेल दोस्तों फिलहाल यहाँ पे हेड रिकॉर्ड्स के 3 मैचेस खेले, 11 रन बनाए हैं, एक ही मैच में बैटिंग मिली थी, 11 का एवरेज है, एक मैच में दोस्तों बॉलिंग भी कराए थे, 3 विकेट है टीम इंडिया के अगेंस्ट में, तो कहीं ना कहीं अगर यार बॉलिंग कराते रिसेंट तो बॉलिंग नहीं करे पाकिस्तान की, तो होप यार बॉलिंग मिलेगी नहीं, अगर मिलती है तो फिलहाल अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में 45 के ओवर से बैटिंग करते हैं दोस्तों, 20 इनिंग अगर हम बात करते हैं तो 20 इनिंग में 43 के ओवर से, तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों तरफ से परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। और देखिए डैनियल मिचेल एक ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि सभी लोग इनको टीम से ड्रॉप करने वाले हैं, चाहे वो ग्रैंड लीग हो, चाहे स्मॉल लीग, चाहे हेडवर्ड, मतलब बहुत ही कम नाम के ही प्लस चुके होंगे जो अपनी टीम में इनको रखने वाले हैं, बट दोस्तों आपको क्या करना है ग्रैंड लीग में इनको रख करके जाना है। ठीक है, बहुत ही ट्रंप प्लस या साबित होने वाले हैं। टॉम रतन की बात करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और आपको याद होगा भाई जब इंडिया टीम से मैच हुआ था नॉट आउट होकर के केन विलियमसन के साथ टॉम रतन ने मैच को विन किया था, ठीक है, सेंचुरी लगाई थी। और अगर हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स के 20 मैच खेले हैं जो कि टीम इंडिया के अगेंस्ट में, 846 रन 65 करोड़, तो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा बल्ला चलता है इनका टीम इंडिया के अगेंस्ट में। एंड अगर हम बात करते हैं इस ग्राउंड पे तो नहीं है एक भी मैच। फर्स्ट इनिंग ये दोस्तों अगर हम बात करते हैं 31 के ओवर से बैटिंग है, 20 इनिंग 40 के, तो देखिए चेसिंग इनका बहुत कमाल रहता है, और टॉम रतन कैप्टन है टीम के, तो कुछ अच्छा करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे आपको ये बल्ले से, तो दोस्तों आपको इनको भी ट्राई करना है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। एंड अब बात करते हैं ग्लेन फिलिप्स, राइट हैंडेड बैट्समैन, बहुत कम लोग इनका सिलेक्शन करने वाले हैं और कर भी सकते हैं, क्योंकि यार पाकिस्तान के अगेंस्ट में उन्होंने बॉलिंग भी कराई है और लास्ट वाले मैच में 63 रन भी बनाए थे, नॉट आउट हुए भी ना। एंड अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल देखिए 2 ओवर इनको मिले थे एक एक मैच में, तो दोनों में विकेट झटकी हैं। अगर इस मैच की बात करते तो स्पेल को मिल सकते हैं 1-2, उससे ज़्यादा नहीं दोस्तों, ठीक है, बट हम स्पेल पर डिपेंड नहीं रहेंगे। अगर हम बात करते हैं हेड रिकॉर्ड्स, 3 मैच खेले हैं जिसमें कि बैटिंग नहीं करी, क्योंकि बैटिंग आई ही नहीं थी दोस्तों, टॉप ऑर्डर ने ही मैच को विन कर लिया था टीम इंडिया के अगेंस्ट में, तो दोस्तों कहीं ना कहीं सोचने वाली बात रहेगी, बड़ी होम ग्राउंड है, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो न्यूजीलैंड में मैच को फर्स्ट इनिंग में दोस्तों 24 के ओवर से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग में बात करते हैं 54 के ओवर से, दोनों तरफ से इनका अगर चांस की बात करते हैं सेकंड इनिंग में रखेंगे, बट ये आपके लिए दोस्तों कब ट्रंप होंगे, जब आप हेड आउट खेलते हैं, ग्रैंड लीग खेलते हैं, स्मॉल लीग खेलते हैं, तीनों में आपके लिए ट्रंप हो सकते हैं, बट यूज कैसे करना है देखिए फाइनल तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा, अदरवाइज अभी बता देता हूं, तो यार फिलहाल टीम भी क्रैश हो सकती है दोस्तों। मिचेल ब्रेसवेल की अगर हम बात करते हैं तो मिचेल ब्रेसवेल देखिए हेडवर्ड में एक मैच खेले जिसमें बैटिंग नहीं करी, एक मैच उनको कोई विकेट नहीं मिली। एंड अगर बात करते हैं फर्स्ट इनिंग में दोस्तों 17 के ओवर से बैटिंग करते हैं दोस्तों, 8 इनिंग में 7 विकेट भी मिली है, 20 इनिंग में दोस्तों अगर बात करते हैं 101 के ओवर से बैटिंग करते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 मैच खेले फिलहाल 202 रन बनाए, कई मैचेस में नॉट आउट भी दोस्तों, ठीक है, एंड 8 इनिंग में 7 विकेट भी इनको मिले 20 इनिंग में भी, सॉरी 20 इनिंग में दोस्तों, तो कहीं ना कहीं खराब परफॉर्मेंस है दोनों तरफ से इनका बॉलिंग का। और अगर हम बात करें टीम में रखेंगे तो टीम में दोस्तों इसलिए ट्राई करेंगे, उनको
अगर हम किसी तरह से इंडिया टीम के बॉलर्स के ऊपर भरोसा कर रहे हैं मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव को लेकर के जा रहे हैं, तो मिचेल ब्रैसल को हम रखें क्यों दोस्तों? इनको बैटिंग जरूर मिलेगा, अगर हम सोच रहे हैं कि टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो सकता है, बॉलिंग अच्छी रहेगी तो यार विकेट मिलेंगे इंडिया टीम को, तो यार फिर हिसाब से तो हमें इनको टीम जरूर रखना है। मिचेल सैंडी की बात करते हैं, देखिए फिलहाल हेड गॉड्स टीम इंडिया के अगेंस्ट में उन्होंने 18 मैच खेले, 135 रन बनाए, 16 का एवरेज है, 17 इनिंग में 11 विकेट भी मिले हैं। एंड फर्स्ट इनिंग दोस्तों अगर बात करते हैं 33 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 20 इनिंग में ये जो है फिलहाल 19 करोड़ से बैटिंग करते हैं। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों इन्होंने जो है फिलहाल 42 मैच में 40 विकेट निकाले हैं एंड 20 इनिंग में 43 मैच में 48, तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग बढ़िया रहेगी दोस्तों, ठीक है, तो इनको भी ट्राई करना है हमें। डॉग ब्रसवेल की बात करते हैं, नए प्लेयर आपको मिलने वाले टीम इंडिया के गेम्स में, 4 मैचेस खेले हैं जिसमें 4 में 94 रन बनाए हैं, 4 इनिंग में दोस्तों 2 विकेट मिले हैं, आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलने वाले सबसे नीचे। एंड अगर हम बात करें टीम में रखने की, तो आप जैसे 11 इनिंग में तो आपको ज़्यादा टाइम के साथ जाएंगे तब ट्राई करना, अदरवाइज ड्रॉप कर देना, क्योंकि बॉलिंग में इनका खास परफॉर्मेंस नहीं है, 4 में 2 ही विकेट है दोस्तों, और बैटिंग लाइनअप भी बहुत कमजोर है इनका, बहुत नीचे भी है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं उनके साथ साथ जो है फिलहाल अगर हम बात करते हैं टीम में, तो टीम में नहीं रखने वाले लोकी फर्गुसन आपको राइट एंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर्स मिलने वाले हैं, हेड रिकॉर्ड 7 मैच इनको 8 विकेट मिले हैं टीम इंडिया की गेम्स में। एंड अगर हम बात करते हैं पिच में, तो एक भी मैच नहीं है। फर्स्ट इनिंग में इन्होंने जो है 24 इनिंग में 46 विकेट निकाले हैं, 20 इनिंग में 26 में 38 विकेट निकाली है, तो कहीं ना कहीं यार कंसिस्टेंट प्लेयर हैं फर्स्ट इनिंग सेकंड दोनों में। एंड टीम में बात करें तो सभी के टीम में रहने वाले भी हैं, बट दोस्तों आप ग्रांड लीग की टीम में ज़्यादा से ज़्यादा इनको ट्राई नहीं करना है, ड्रॉप भी करना है, क्योंकि टीम जो कि पाकिस्तान के गेम्स में इन्होंने खेला रिसेंट, आपने देखा कि विकेट कुछ खास नहीं मिले, ठीक है, पहले मैच में कोई विकेट नहीं मिली, तो यार पहले मैच में हो सकता है कि कोई विकेट ना मिले, तो यार पहले मैच में थोड़ा रिस्की रह सकते हैं फर्गुसन, आपको पता है इनका रिकॉर्ड भी रहा है कि पहले मैच में विकेट नहीं लेते हैं। एंड देखिए देखते भी हैं क्या होता है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। एंड इनके बाद जो मिलेंगे जेकॉफ डॉफी दोस्तों, ये बहुत ही कमाल के बॉलर्स हैं, राइट आर्म मीडियम राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं, हेड रिकॉर्ड्स की अगर बात करते हैं एक मैच नहीं ग्राउंड पे भी एक मैच नहीं दोस्तों, लिस्ट देखिए 73 मैच में दोस्तों इन्होंने 132 विकेट निकाली है, तो बहुत ही कमाल है जेकॉफ डॉफी, और इनको भी दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा टीम में रखने की कोशिश जरूर करिए। देखिए आपने फिलहाल हेड रिकॉर्ड्स मैंने रिकॉर्ड देख लिया, टीम क्या रहेगी मैं आपको शो करा, तो मेरी पहली टीम रहेगी जो कि आप देख सकते हैं कैप्टन वाइज कैप्टन कॉम्बिनेशन, प्लेयर का सिलेक्शन किस प्रकार से हो सकता है, और ये जब हम करेंगे दोस्तों जब यहां पर फिलहाल जो है इंडिया टीम फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रही हो, तो इस हिसाब से हम जा सकते हैं, ठीक है, पहली टीम में। एंड दूसरी टीम की अगर हम बात करते हैं, तो दूसरी टीम मेरी ये रहने वाली जिसमें विराट कोहली और शुभमन गिल का कैप्टन वाइज कैप्टन कॉम्बिनेशन मैंने कर रखा है। एंड टीम क्या है वो मैं आपको शो करा देता हूं, यहां पर टीम आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लेयर का सिलेक्शन भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना पड़ेगा इन टीम को कंफर्म करने के लिए टॉस के बाद, देखिए बैटिंग के ऊपर डिपेंड भी करेगा कौन सी टीम बैटिंग कर रही है। और तीसरी टीम दोस्तों यहां पे मेरी ये रहने वाली जो मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली, ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन आप यहां पे देख सकते हैं, डेविन कॉर्नर टॉम लथन एक टीम में मैं जरूर ट्राई करने वाला हूं। एंड उसके बाद चौथी टीम यानी कि लास्ट वाली टीम जो कि रहेगी ब्रैसवेल और मार्क चैंपियन के साथ भी मैं जा सकता हूं दोस्तों, ठीक है, ईशान किशन अब बताया कि मैं ट्राई करूंगा, तो वो मैं दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा कैसे यूज करना है ईशान किशन को, वो मैं आपको टॉस के बाद बताऊंगा। तो होप गाइस आपको वीडियोस पसंद आए, लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक जरूर शेयर कर लें, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम आपको ऑल का ऑप्शन जरूर दबा लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए हर वीडियोस का, और ऐसे ही प्रेडिक्शन आप देख पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।